बहुत टेस्टी है दोस्तों, ऐसे ही होममेड बनाया फ्रेंच फ्राइज बाहर से ना ले। लाइक शेयर कमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में प्रणवी खाना खजाना। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं होममेड टेस्टी फ्रेंच फ्राइज। तो अब शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे हम सबसे पहले पोटैटो। आप बड़े साइज के ले सकते हैं, बट मेरे पास इस टाइम अभी छोटे पोटैटो हैं, तो मैं यही ले रही हूँ। इसे अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे लंबे शेप में काट लेंगे। थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम, जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वो ब्लैक है वो निकाल लेंगे, और थोड़ा मोटा शेप में लंबे साइज में कट कर लेंगे इसे हम। वाटर बॉईल कर लेंगे, फिर हम इस बॉईल इतने बॉईल पानी में, आप पानी को देख लो, इतने बॉईल पानी में मैं ये कटे हुए आलू के स्लाइसेस डालूंगी, और इसे ज्यादा नहीं हल्का सा बॉईल करना है 4 से 5 मिनट के लिए। देखते हैं 4 से 5 मिनट बाद, मैं दिखाती हूँ 4 से 5 मिनट बाद कैसा बॉईल पोटैटो चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस टाइप से बस इतना ही बॉईल करना है, हल्का सा बॉईल, और ये हल्का सा थोड़ा दिखेगा। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसके सारे हॉट वाटर निकाल के इसको हम कोल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसे ठंडे पानी से वॉश करके एक टॉवल पे ले लेंगे, और इसे अच्छे से साफ क्लीन टॉवल पे, और इसे अच्छे से डैब डैब करके इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको सुखा लेंगे। इसको इस तरह से करके सुखाने के बाद मैं इसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद इसमें उसके बाद इसे एक बोल में ट्रांसफर करेंगे तरह से। इस स्टेज पे हम फिर इसमें, ये देख लो, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, यहाँ पे हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर ये मैं यूज कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हो, वैसे ये ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाता है। तो मैं ये इतना सा डाल के इसको अच्छे से इक्वली स्प्रेड आउट करेंगे। मेरा बिल्कुल इक्वल स्प्रेड हो जाए। हम इसमें अभी नमक नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर ये बाद में इससे पानी छोड़ने लगेगा और हमारा फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी नहीं होगा। तो मैं अभी इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस पोटैटो और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके अच्छे से, हम इवन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इतने बॉयल तेल में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल धुआं निकल रहा है। अब मैं इसमें अपना फ्रेंच फ्राइज फ्राई करूंगी थोड़ा थोड़ा डाल के। आप एक साथ ज़्यादा मत डाल देना, क्योंकि फिर आपका ऑयल का टेम्परेचर लो हो जाएगा और फ्रेंच फ्राइज आपका क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आप तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। फिर से हम अपने बचे हुए फ्रेंच फ्राइज को तल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंच फ्राइज कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और ये देखो, ये देखो। और हम इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करना इसे, नहीं तो फिर इसमें ब्राउन ब्राउन पैटर्न आ जाते हैं। इसे थोड़ा सा हल्का सा ही रखेंगे, हल्का मतलब
सुनहरा गोल्डन ब्राउन, मतलब गोल्डन से भी कम। तो ये हमारा फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मैं इसे निकालूंगी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी स्वादानुसार। गरम गरम में ही अपना नमक ऐड करना, क्योंकि ये फिर अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है गरम में, क्योंकि नमक मैं डाली नहीं थी पहले इसमें। तो दोस्तों ये हमारा फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल होममेड, बिल्कुल हेल्दी होममेड फ्रेंच फ्राइज तैयार है। तो इसे अब खा के बताती हूँ। बहुत टेस्टी है दोस्तों, ऐसे ही होममेड बनाया फ्रेंच फ्राइज बाहर से। ना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।